अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल खुशनुमा व्लॉग्स फूड फैमिली एंड फ्रेंड्स। कैसे हैं मेरे व्यूवर्स? आई होप सभी लोग अच्छे से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। चलिए फिर देखिए, आज मैं बहुत दिनों के बाद अपना एक नया व्लॉग लेकर आई हूँ और ये व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। हमारे घर पे शादी पड़ी हुई है मेरी बड़े ननन की बेटे की, ठीक है, और ये सारे गिफ्ट जो है हमारी तरफ से जाने वाले हैं और आप देख सकते हैं सभी के लिए हमने गिफ्ट्स लिए हैं, ड्रेस मटेरियल, साड़ी मटेरियल एंड सूट वगैरह एक्स। और अभी ये जो है, अब हम लेट हो रहे हैं, हल्दी की रस्म है आज और मेरे हस्बैंड जो है मेरी हेल्प कर रहे हैं, फटाफट वो जो भी है कपड़े रख रहे हैं बैग में। और इधर हमने अम्मी अब्बा को जो है ऑटो में बिठा दिए हैं, क्योंकि लिए ये ऑटो एकदम आपा के घर के सामने रुकती है, तो इसलिए हमने पहले अम्मी अब्बा को भेज दिए हैं और अब हम जा रहे हैं। और माशाल्लाह से जो है सभी लोग खुश हैं और आप देख सकते हैं अभी हम लोग निकले हैं और रोड पे जो है थोड़ी ट्रैफिक भी हमें मिल गई थी। ऑलरेडी हम फंक्शन जो है 5 बजे स्टार्ट होने वाला था मगर हमें काफ़ी लेट हो चुका था, सभी लोग आ चुके हैं, हम ही लास्ट हो गए। और ये देखिए अब हम लोग की एंट्री हो रही है और इधर सभी लोग आ चुके थे और आपा ने जो है दुल्हन का डाल का सामान जो है बेड पर सारे सजा कर रखे थे। और ये देखिए दुल्हन का आप साज भी बोल सकते हैं, डाल का सामान, आपा ने एक जो है नेकलेस का सेट विथ ईयरिंग, मांग टीका, पायल और एक गोल्ड रिंग लिए है ड्रेस मटेरियल वगैरह शरारे के साथ। और इधर जो है नाश्ते में आपा ने समोसा पाव रखे थे और चाय भी थी। और इधर जो है मैंने अपना जो है जो गिफ्ट्स जितने भी थे मेरी तरफ से और अम्मी अब्बा की तरफ से वो सारे मैंने बेड पर लगा दिए हैं सभी को दिखाने के लिए। और ये जो है एक रस्म होती है जो कि मायके से कपड़ा आता है सभी के लिए और ये जो है मेरी जिठानी की तरफ से है आपा के लिए, आप देख सकते हैं। और इसी तरह सबका गिफ्ट आया हुआ था, ठीक है। और भाभी ने जो है दोनों बहुओं को एक एक चांदी की पायल भी गिफ्ट किए थे, ठीक है, और आप देख सकते हैं। और इधर जो है हल्दी का मंडप लगा हुआ था और सभी ने फ़ोटो क्लिक कराया। इधर हम लोग तीनों देवरानी जिठानी थे, इधर मेरी फैमिली है, ठीक है, मैं, रेहान, रेहान के पापा, दूल्हे के साथ, ठीक है। और काफ़ी दिनों के बाद शादी हमारे घर में पड़ी है तो काफ़ी अच्छा भी लग रहा था। ये मेरे देवर देवरानी और हुसैन हैं, ठीक है, और आदिल, माशाल्लाह से सभी अच्छे लग रहे थे येलो ड्रेस में। ये मेरे जेठ जेठानी, उनकी दोनों बेटियां, ये मेरी छोटी नन, उनकी फैमिली है। और इधर जो है यूसुफ अपने भाई की शादी में कुछ ज़्यादा ही खुश है, जो डांस करने में इतने मशगूल है। और ये आपा के सब ससुराल वाले हैं, उनके देवर के बेटियां हैं जो कि डांस कर रही हैं, काफ़ी एंजॉयमेंट हुआ, सभी लोग डांस कर रहे थे, काफ़ी मतलब बच्चे जब डांस करते हैं तो अलग ही रौनक होती है। तो इधर जो है अब्बा भी खुशी में डांस कर रहे हैं अपने नवासे की हल्दी में, काफ़ी अच्छा लग रहा था, ये देखिए। और यास्मीन इधर अब लेट हो रहा था तो सब लोग बोले कि पहले हल्दी की रस्म कर लेते हैं, तो यास्मीन जो है हल्दी और मेहंदी लेकर आ रही है। माशाल्लाह से डेकोरेशन बहुत ही अच्छा हुआ था, आप देख सकते हैं एक बाउल में हल्दी और एक बाउल में मेहंदी फेंट कर रखे हुए हैं। और अब धीरे धीरे जो है सारी लेडीज आएंगी रस्म करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ फ़ोटो शूटिंग वगैरह भी चल रही है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से। ये देखिए यापा के तीनों बच्चे हैं, यापा की फैमिली, बीच में जो है आपा की बहू खड़ी है। और इधर रसम जो है आपा ने पहले शुरू की है अपने बेटे को मोतीचूर का लड्डू खिलाकर, आप देख सकते हैं। और अभी जो है हल्दी में जो है कड़ा बांधा जाता है दूल्हे को, वो आपा बांध रही हैं
जो कि शादी के बाद ही निकला जाएगा। और इधर जो है दूल्हे की बहन मतलब यास्मीन जो है मेहंदी की रस्म पूरी कर रही है, हाथ में हथेली में जो है वो मेहंदी टच करवा रही है और कानी उंगली पे, ठीक है। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये जो हमारे वहाँ हल्दी की रस्म होती है, पहले 5 कुंवारी लड़कियाँ जो है हल्दी छुआती हैं और इधर जो है यास्मीन ने रस्म शुरू की और फिर बाकी सब हमारी घर की जो लड़कियाँ हैं उन्होंने रस्म की और इधर जो है अब आपा कर रही हैं रस्म, ठीक है। और सर पे जो पल्लू रख कर खड़ी है वो आपा की बड़ी बहू है। अभी 1 by 1 करके सभी लोग आएंगे। ये मेरी जेठानी है जो रस्म कर रही हैं अभी। और ये अभी मैं हूँ जो कि मैं रस्म करने आई हूँ। माशाल्लाह से इमरान बहुत ही खुश लग रहे थे और रस्म भी जो है काफ़ी अच्छी हुई। ये देखिए अब मैंने भी रस्म करी और काफ़ी अच्छा लगा। इतने दिनों के बाद शादी घर में पड़ी और ये रुखसार है आपा की देवर की लड़की जो कि मुझे हल्दी लगा रही थी और अभी जो है अम्मी आए हैं रस्म करने के लिए। माशाल्लाह से जो हमने सोचा था उससे बहुत ही अच्छे से रस्म हो गई। आप लोग भी दुआ करिए कि शादी भी अच्छी तरह से हो जाए। और ये अभी इमरान के मामा अभी आए हैं रस्म करने के लिए। मैं उनको बता रही हूँ ऐसे ऐसे करो करके। और इधर जो है सभी बच्चे डांस कर रहे हैं, आप देख सकते हैं सभी इंजॉय कर रहे हैं, काफ़ी मज़ा आया। और अब जो है डिनर टाइम और आपा ने जो है बिरयानी बाहर बनवाए थे, ये आप देख सकते हैं चिकन बिरयानी। और माशाल्लाह से चिकन बिरयानी बहुत ही टेस्टी बनी थी, चिकन टिक्का बिरयानी थी और सभी लोग ने खाए। और फंक्शन होते होते घर में अगर कुछ फंक्शन रहता है तो जाहिर सी बात है शादी का माहौल है तो लेट तो होना ही है। तो ये देखिए बाहर टेबल भी लगा हुआ था जहाँ पे सभी लोग खाना खा रहे थे बैठकर, और खाना जो है काफ़ी टेस्टी था, खाने में बहुत ही मज़ेदार लग रहा था। तो सभी लोग खाना खाने के बाद सभी लोग अपने अपने घर रवाना हो गए। जो लोग थे वो लोग 1 by 1 करके खा रहे थे। अम्मी अब्बा पहले खा चुके थे तो हमने बोले कि आप लोग आगे पहले निकल जाओ, फिर हम लोग को टाइम लगेगा, ठीक है। और इधर देखिए मेरे हस्बैंड भी बैठे हुए हैं, ठीक है। और माशाल्लाह इनको तो बिरयानी बहुत ही अच्छी लगती है तो इन्होंने तो खूब इंजॉय किए। और इसी तरह आप लोग मेरे व्लॉग से बने रहना और फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।